हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजना आशी किचन। तो फ्रेंड, आज हम जन्माष्टमी का प्रसाद बना रहे हैं। बहुत टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, घर का सामान से बना हुआ है। हमने घर में मावा भी बनाया है और घर में ही पेड़ा भी बनाया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे हमने बनाया है। तो देखिए, हमने 250 ग्राम मावा लिया है और इस तरह से हमने इसे बना के रख लिया था। ये ठंडा हो गया है, अब इसे हम ग्रेट करेंगे। ग्रेट करके बनाने से बहुत ही अच्छा आपका पेड़ा बनेगा। तो इस तरह से एक ग्रेटर लेंगे और एक थाली में हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट करके फिर हम इसे चीनी के साथ पकाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इसे आप ग्रेट कर लें। ग्रेट करने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगता क्योंकि सॉफ्ट होता है मावा, बहुत आसानी से ग्रेट हो जाता है। तो आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ग्रेट हुआ। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे को ग्रेट कर लिया है और अब इसे हम साइड में रखेंगे। चलते हैं गैस की तरफ और कढ़ाई रखे हैं और कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हमने 1/4 कप पानी डाला है, यानी बस हल्का सा चीनी गीला हो उतना ही डालना है पानी। 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस चीनी मेल्ट होने तक के लिए हमको पानी डालना है। तो इस तरह से देखिए, चीनी मेल्ट हो गया है और हल्का सा बॉयल होने लगा है। थोड़ा सा चिपचिपा होगा, एक तार की चाशनी जितनी बनने लायक, उसके बाद ही हम इसमें मावा को मिक्स कर देंगे। तो देखिए, काफ़ी हद तक पक चुका है। हम इसे एक प्लेट में टेस्ट करते हैं। पहले एक प्लेट लेंगे, उसमें 2-4 बूंद डाल के ठंडा करेंगे, फिर उसे हम उंगली में लगा के देखेंगे। तो ये देखिए, हम इसमें 2 ड्रॉप गिरा दिए हैं और अब इसे हम दिखाते हैं। हल्का ठंडा होगा, फिर इसे हम उंगली में लेके इस तरह से दिखाएंगे। देखिए, हल्का सा तार बन रहा है, बस इतना ही बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें मावा को मिक्स कर देंगे और साथ में ही पकाएंगे चीनी और मावा दोनों। जो हमने ग्रेट किया है उसे अब हम इसमें डाल देंगे। चीनी के साथ पकाने से अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और धीरे धीरे इसका जो भी नमी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसे ठंडा करके बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसे मिक्स करिए मीडियम फ्लेम पे। नीचे नहीं चिपकना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए, इसमें नीचे चिपकने का चांस रहता है, इसलिए इसे आप कंटिन्यू चलाते रहिए। तो इस तरह से देखिए, मेल्ट हो गया है अच्छे से, मावा उसमें मिक्स हो गया है। इस तरह से आप बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, बिल्कुल यही रेशियो रहता है। और आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं और इस तरह से पेड़ा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और कंटिन्यू चलाना है। साइड साइड में चिपकने नहीं देना है, उसे साइड साइड से आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से काफ़ी गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा हमें इसे और पकाना, हल्का कढ़ाई छोड़ने लगेगा, बस उसके बाद हम इसे निकाल के ठंडा करेंगे। तो इस तरह से आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। आप घर में बना के चढ़ाएंगे वो शुद्ध रहेगा, मावा भी शुद्ध रहेगा, मार्केट में उतना शुद्ध नहीं रहेगा, उतनी सफाई नहीं रहेगी, इसलिए आप घर में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, कितने अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। और अब इसमें हम डाल दिए 1 स्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डालें। और अब देखिए, बिल्कुल पक के तैयार हो गया, कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे हीट रहता है, जब तक आप इसे नहीं चलाएंगे तो नीचे चिपक जाएगा। थोड़ी देर इसे आप इस तरह से चलाते रहिए, उसके बाद इसे एक बोल में निकाल लीजिए। तो इस तरह से देखिए, हम इसे कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं, अभी हीट है तो ये नीचे चिपकने का डर बना रहेगा इसमें। तो अब देखिए, ये अच्छे से हो गया है और इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा करेंगे बोल में, फिर उसे हम बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, थोड़ी देर हमने कढ़ाई में ही चलाया, उसके बाद अब एक बोल में निकाल देंगे और इसे हल्का ठंडा हो जाएगा, हाथ सहने तक का ठंडा हो जाए, बस आप इसे हाथ में घी लगाइए और बनाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए, हमने सारा निकाल लिया है। इसे 15 मिनट तक हम इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए, 10 से 15 मिनट लग जाता है ठंडा होने में, उसके बाद फिर हम इसका बनाएंगे। तो ये देखिए, अब हम इसे देख लेते हैं, ठंडा हो गया है और अब हम घी लगाएंगे हाथ पे और इसे बना लेंगे। आप साइज अपने इच्छा अनुसार, छोटा बड़ा जिस हिसाब से आपको बनाना उस तरह से बनाएं। हमने 1 स्पून लिया है, उसी स्पून से मेजर करके बना रहे हैं और मेजर करके बनाने से एक साइज़ का बनेगा, नहीं तो छोटा बड़ा बन जाएगा। तो ये देखिए, एक हमने बना लिया, कितना बढ़िया बन रहा है, कितना सॉफ्ट। ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
अभी हल्का सॉफ्ट है क्योंकि सेट होने में टाइम लगेगा, तो इस तरह से आप स्पून से ले लीजिए और इसे इस तरह से बनाइए। जो भी मेजरिंग के लिए आप रख लीजिए, छोटा स्पून बड़ा स्पून, उस तरह से पहले हाथ से इस तरह लड्डू की तरह बाइंड करिए, उसके बाद इसे गोल कर लीजिए। इससे क्या है, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये देखिए हल्का सा उंगली से अंगूठे से प्रेस कर दे रहे हैं, तो उस जगह पे हम लगा देंगे पिस्ता और वो देखने में भी सुंदर लगेगा। तो देखिए घर पे बनाने से टेस्टी के साथ साथ साफ भी रहता है, प्रसाद है, भोग का है, तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आप किसी भी भगवान का भोग लगाना हो, कोई गेस्ट आने वाला हो या सफ़र में आप जाने वाले हों, किसी भी टाइम आपको ज़रूरत हो आप इस तरह से बनाइए, प्योर रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। इसे एक दिन बना के देखिए हमने इतने सारे बना लिए, और अब इसे हम गार्निश करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे हमारे बन गए हैं और इसे हम पिस्ता से गार्निश करेंगे इस तरह से। देखिए आप इसे पिस्ता से गार्निश कर दीजिए, देखने में भी सुंदर लग रहा है और खाने में तो इतना टेस्टी कि बस एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। और इसे आप फ्रिज में रखिए, आप 10 से 15 दिन तक आराम से एंजॉय करिए। सफ़र में जा रहे हैं तो आप बना के ले जा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। बच्चों को टिफ़िन में देना हो, भगवान का भोग लगाना हो, किसी भी रूप में आप इसे यूज़ करिए, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। एक बार इसे बनाइए और एंजॉय करिए। रेसिपी ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।